सो गाइस, आज हम इस सेसना ग्रैंड कैरावन में कोलकाता से जमशेदपुर जाएंगे, जो कि बिल्कुल आपको प्राइवेट जेट वाला फीलिंग देगा। ये एक 9 सीटर एयरक्राफ्ट है। ये इतना छोटा है ना कि इसमें खड़े होने की जगह भी नहीं है, बट इसमें जो है ना आपको हैंड रिटन बोर्डिंग पास मिलता है। फिलहाल जो है ना गाइस, एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग चल रही है, उसके बाद हम बोर्ड करेंगे। ओडिशा के लोगों के लिए ओडिशा की सरकार ने जो किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। ये ना जब चाहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वाला सेक्शन छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑल्सो आज हमारे दोनों पायलट्स फीमेल थे। जो एयरक्राफ्ट हम आज फ्लाई कर रहे हैं ना, वो विदेशों में लोग गाड़ियों की तरह रखते हैं। यही है जमशेदपुर का दो मोहनी। आगे हैं गाइस फाइनली डिमना लेक पे। कितनी खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पे जो अपना ड्रोन है वो क्रैश हो गया। सफर देवियों सज्जो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। कुछ कुछ जगहें अभी भी इंडिया में बच गई हैं जो कि हमने आज तक कवर नहीं किया, क्योंकि हम अपने चैनल में बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, सरकारी बसों की, रोड्स की, हाईवेज की, उस जगह के टूरिज्म की। तो जो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, वो ये कि जो जगह इतना ज़्यादा फेमस नहीं है टूरिज़्म के लिए, मैं वहाँ जाके भी वीडियो करूँ, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, बस स्टैंड, हाईवेज, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊं। जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया ना, कुछ स्टेट्स एकदम रह गई हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें मतलब ज़रा सा भी कवरेज मैंने तो नहीं किया। तो आज ही सुबह मैंने एक पोल डाला और पूछा कि कहाँ जाया जाए। फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा वोट बिहार झारखंड पे आए हैं, तो मैं कुछ दिनों के लिए निकल रहा हूँ बिहार झारखंड के टूर पे। हालांकि मुझे जहाँ तक पता है कि झारखंड का कोई सरकारी बस सेवा ही नहीं है, अब वो जाके हम पता करेंगे। फिलहाल मैं हूँ कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। स्वागत है आपका एक और एविएशन व्लॉग में। कोशिश करता हूँ कि एविएशन में हो, बसों में हो, ट्रेनों में हो, हर डिफरेंट तरह की वैरायटी आपको दिखाई जाए। सो आज एक नए एयरक्राफ्ट में हम फ्लाई करेंगे। हालांकि मैंने वो कवर कर रखा है ऑलरेडी, बट स्टिल मुझे लगा कि चलो एक बार और करते हैं। टुडे वी आर फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता टू जमशेदपुर इन इंडिया वन एयर सेसना ग्रैंड कैरावन। जो एयरक्राफ्ट हम आज फ्लाई कर रहे हैं ना, वो विदेशों में लोग गाड़ियों की तरह रखते हैं कि ये तो चलो हमारा एयरक्राफ्ट है। कभी संडेस को टाइम हुआ, किसी आइलैंड पे चले गए, मतलब एकदम जो रिच लोग हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, कि पायलट्स हैं, प्लेन हैं। तो हम आज ऐसे प्लेन में फ्लाई करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल प्राइवेट जेट वाली फीलिंग आएगी। बता दूँ, इट्स आफ्टरनून फ्लाइट। आज हम फ्लाई करें फ्रॉम कोलकाता टू जमशेदपुर। फ्लाइट है हमारी दोपहर 2:40 पे। राइट नाउ इट इज़ 1:20 PM। जिन लोगों ने मेरे इंडिया वन एयर वाले व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, उनके लिए शायद ये नाम नया है, तो मैं इंडिया वन एयर के बारे में बताऊंगा, इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, एंड साथ ही साथ जमशेदपुर जाके हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ बहुत अच्छी अच्छी जगहें, जैसे दो मोहनी हो गया, फिर डिमना लेक हो गया, कुछ डैम हो गया। तो जो कुछ भी है सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा। ये प्रॉपर सीरीज नहीं है, लेकिन झारखंड बिहार से थोड़ा बहुत कवरेज रहेगा। झारखंड बिहार से जो भी लोग मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि देखिए आप ही लोगों की वजह से मैं निकल रहा हूँ आज। एंड ये रहा हमारा कोलकाता का एयरपोर्ट। धीरे धीरे ये एयरपोर्ट भी अच्छा हो रहा है। फ्लाइट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिलहाल आकाशा वगैरह भी आ चुके हैं, एंड विस्तारा भी बैंगलोर की फ़्लाइट्स अभी वापस रिज्यूम कर रही हैं। यही सब है। आज हमारी डीजी यात्रा से एंट्री नहीं होगी, नॉर्मल एंट्री करेंगे, क्योंकि इंडिया वन एयर का यहाँ पे डीजी यात्रा वाला सिस्टम है नहीं। तो चलते हैं, फिलहाल एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं। वैसे ना मुझे एक चीज़ लग रहा है कि जो विंटर सीजन है ना, वो यहाँ पे तो ख़त्म हो ही चुका है। नॉर्थ साइड फिर भी थोड़ा है, क्योंकि गर्मी बाहर इतनी लग रही थी, अंदर अभी जैसी एसी में आया ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में पहुँच गया हूँ। कुछ टाइम पहले जब मैं कैब में था, एयरपोर्ट आ रहा था, तो मुझे इंडिया वन एयर से कॉल आया कि हम इंडिया वन एयर से बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि ख़त्म, फ्लाइट कैंसिल। फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप आ रहे हैं ना, कंफर्म कर दीजिए। तो मैंने कहा हाँ, ऑन द वे हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन पे कंफर्म कर दिया कि काउंटर जो है आपका डी है, आप इस गेट के सामने उतरिए। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है ना, ये डेफिनेटली कोई और प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ चेक इन करने, उसके बगल में सिक्योरिटी है। बाकी बहुत दिनों बाद इनके साथ ट्राई करो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चेक इन एंड सिक्योरिटी चेक इज़ डन। दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही कम टाइम लगा। एंड मुझे पता नहीं, फील ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग फ्लाइट जब भी मैं लेता हूँ ना, उससे ज़्यादा भीड़ तो आफ्टरनून के टाइम पे है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट में आफ्टरनून में कब निकला था। हर बारी मॉर्निंग फ्लाइट्स ही होती हैं,
मेरा जो गेट है ना वो नीचे है 107 नंबर, बट व्यू यहीं से बढ़िया आता है। इसमें जो है ना आपको हैंड रिटन बोर्डिंग पास मिलता है, तो उसका एक अलग फीलिंग है, क्योंकि थोड़ी छोटी एयरलाइन है, उनके पास वो प्रिंटर वाली मशीन है नहीं। सो थोड़े बहुत टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स आप लोग देखिए। यहाँ पे एक इंडिगो की A320 नियो पुशबैक कर रही है। स्पाइसजेट की जो पहली बोइंग 737 मैक्स है ना वो यहाँ पे लैंड हुई जस्ट। अच्छा गाइस, कोलकाता एयरपोर्ट का ना एक और बात मैं बताता हूँ जो मैंने इतने दिनों नहीं बताया था इतने दिनों फ्लाई करने के बाद। ये ना जब चाहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वाला सेक्शन छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ तक पहले ना डोमेस्टिक हुआ करता था, तो ये जो गेट्स हैं ये इंटरनेशनल के लिए आगे बंद रहता था, एंड इसके आगे एक और गेट है तो उसके आगे भी इंटरनेशनल हुआ करता था। तो इनके पास सिस्टम ऐसा है कि अगर वो गेट बंद कर दे तो ये जो है डोमेस्टिक का हो जाए, अगर वो ये गेट बंद कर दे तो इंटरनेशनल वाला सेक्शन बढ़ जाए जो कि वो रात में यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर वो ये दोनों गेट खोल दें तो डोमेस्टिक का सेक्शन काफ़ी बड़ा हो जाए जो वो दिन के टाइम यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं बट ऐसा लगने लगा जैसे इंडिगो के किसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ। वहाँ पर इंडिगो लैंड हो रही इंडिगो। सो एनीवेज, बता दूँ आपको इंडिया वन एयर के बारे में। ये एक भुवनेश्वर बेस्ड रीजनल एयरलाइनर है। रीजनल मतलब जो लोकल रूट से उन्हीं पे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, वो भी उड़ान और RCS स्कीम पे। RCS स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एंड उड़ान स्कीम है उड़े देश के आम नागरिक। उड़ान स्कीम ये है कि कुछ एयरपोर्ट्स हैं Tier 2, Tier 3 वाले जिनको कि सरकार ने बोला है कि हम जैसे तैसे कनेक्ट करेंगे, एंड उन पे जो है एक मिनिमल फेयर निर्धारित किया है कि एयरलाइन वाले इस फेयर पे लोगों को ले जाएंगे, एंड वो फेयर ऐसे हैं जिससे कोई भी आम आदमी उड़ सके, इसलिए नाम है उड़े देश के आम नागरिक। दूसरा स्कीम है RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसके तहत वापस से वही छोटे मोटे एयरपोर्ट्स कनेक्ट कर रहे हैं, और इसमें कुछ कुछ रहता है जैसे कभी कभार जो 1-2% वैट है फ्यूल पे वो हटा दिया, या फिर कभी सरकार ने जो खाली सीट्स हैं उनके लिए एक अमाउंट पे कर दी, जो कि उड़ीसा में ऐसा होता है मुझे याद है। आप प्लेन चलाओ, अगर आपकी सीट्स खाली होंगी तो वो हम पे कर देंगे। फिर कभी नाइट पार्किंग चार्जेस जो है वो फ्री कर दिए। उड़ीसा के लोगों के लिए उड़ीसा की सरकार ने जो किया है ना वो किसी ने नहीं किया। जो जो एयरपोर्ट पर उनको फ्लाइट थी वहाँ पर नाइट पार्किंग फ्री कर दी कि आप यहाँ पर एयरक्राफ्ट लाओ, पार्किंग के कोई चार्ज नहीं होंगे। जो रात को इतना टाइम होल्ड करती ना एयरक्राफ्ट, जैसे वहाँ पे वो ATR खड़ी है, रात भर खड़ी रहेगी तो उसका एक बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो वो नहीं लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम डेली सिंगापुर बैंकॉक इन सब की फ़्लाइट चलाओ। इंडिगो को बोला सिंगापुर की चलाओ, बैंकॉक की चलाओ, उसमें अगर आपकी सीट खाली रह जाती है तो वो फेयर हम देंगे। तो ये सब करा है ताकि लोगों को डेली फ़्लाइट मिल सके कहीं भी जाने के लिए। जैसे उनको आगे भी जाना है तो कनेक्शंस मिल जाएंगे, एंड घूमने जाना है तो ऑब्वियसली। तो इंडिया वन एयर के पास टोटल 3 सेसना ग्रैंड कैरावन्स हैं। ग्रैंड कैरावन बेसिकली 2300 किलो का एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना बस, जिसमें कि 9 सीट्स लगी हैं 2 पायलट्स के लिए, यानी टोटल 11 सीट्स। इसमें आप मॉडिफाई करके 14 सीट्स भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पे आपका कार्गो होल्ड है वहाँ पे 3 सीट्स का एक सोफ़ा ऐड कर दो, बट वो करने से आपका लगेज का स्पेस जो है चला जाएगा। सो इसमें जो है 9 ही सीट्स हैं, 9 ही पैसेंजर्स इसमें जा सकते हैं, एंड इस एयरक्राफ्ट में ना सीट्स नहीं सोफे लगे हैं, मतलब जो भी आप एयरक्राफ्ट देखते हो ना उससे तो कई ज़्यादा कम्फर्टेबल है, एंड फ्लाइंग टाइम इतना नहीं है। फ्लाइंग टाइम इज़ लाइक 55 मिनट्स टू 1 आवर। हम निकलेंगे यहाँ से 3 बजे के करीब, एंड 4 बजे हम जमशेदपुर में होंगे। बाकी अगर आप पूछो कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ कहाँ चलती हैं, भुवनेश्वर से चलती है जमशेदपुर, भुवनेश्वर से चलती है जयपुर होके वाइजैग, भुवनेश्वर से चलती है उत्केला, भुवनेश्वर से चलती है जमशेदपुर होके कोलकाता, और कोलकाता से चलती है जमशेदपुर और कूचबिहार के लिए। यहाँ पे जो अपना एयरक्राफ्ट है ना वो कूचबिहार से यहाँ तक आ रहा है, तो तब तक मैं थोड़ा सा कुछ खा पी रहा हूँ। यहाँ पे KFC में लिया है फ्राइज़ और साथ में एक वर्जिन मोहितो। ऑलराइट गाइज, हमारा जो एयरक्राफ्ट है ना दैट इज़ नंबर 3 फॉर लैंडिंग। उसका लैंडिंग आपको पहले दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं बोर्डिंग के लिए। फिलहाल बोर्डिंग हैज़ बिन स्टार्टेड,
240 पे हुआ है, थोड़ा सा एयरक्राफ्ट लेट भी आया अपना, बट छोटा एयरक्राफ्ट है, कम पैसेंजर्स है, 3 ही पैसेंजर्स है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड वैसे इंडियामन एयर के लिए कोलकाता में जो ग्राउंड हैंडलिंग करती है वो कंपनी है इंडो थाई, जिनकी बस होती है जो टर्मिनल से एयरक्राफ्ट तक ले जाती है, जो सामान कैरी करता है, बाकी सब काम। यहाँ पे देख लीजिए एयरबस 319 है, ये है 321 जो कि भारतीय वायुसेना का है, DRDO ने ले रखा है किसी रीजन की वजह से। फाइनली पहुँच गए हैं हमारे एयरक्राफ्ट के पास। फिलहाल जो है ना गाइस, एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग चल रही है, उसके बाद हम बोर्ड करेंगे। एयरक्राफ्ट में जो रिफ्यूलिंग होता है वो उसके विंग्स में होता है, एट 99% ऑफ द एयरक्राफ्ट। आप सोचोगे कि विंग्स में इतना सारा फ्यूल कैसे आएगा, तो एविएशन में होता है यूज़ हाई डेंसिटी फ्यूल, जो कि है जेट एवन फ्यूल, कह सकते हैं कि एक तरह का प्योर केरोसिन है, तो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो गाइस, आज हम इस सेस्ना ग्रैंड कैरावन में कोलकाता से जमशेदपुर जाएंगे, जो कि बिल्कुल आपको प्राइवेट जेट वाला फीलिंग देगा। ये एक 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है अपना एयरक्राफ्ट, ये इतना छोटा है ना कि इसमें खड़े होने की जगह भी नहीं है, बट अगर कंपेयर करें बाकी एयरक्राफ्ट से तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्लाइंग टाइम विल बी 55 मिनट्स, हम कवर करेंगे एरियल डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर्स का। एंड आफ्टर डिपार्चर वी विल टेक अ लेफ्ट टर्न, जिसमें आपको हावड़ा ब्रिज, सेकेंड उगली ब्रिज शायद दिखे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑल्सो एयरलाइन लिटरेचर में है सेफ्टी कार्ड, वोमिटिंग बैग, एंड आपको मिल जाएगा एक 500 ml पानी का बोतल। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेस्ट नज़ारे मैं आपको कोलकाता का दिखा पाऊँ। इंजन स्टार्टअप इज अप्रूव्ड, निकलते हैं फ्रॉम कोलकाता, गुड बाई टू दिस सिटी ऑफ जॉय। गाइज, वैसे हम फ्लाई कर रहे हैं एट 8000 फीट, एंड हमारे जो आज के दोनों पायलट्स हैं ना, वो दोनों फीमेल्स हैं, तो बहुत एक अलग मज़ा आ रहा है। और दूसरी तरफ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने का डर, बट इट इज़ सेफ। आज तक इंडियामन की जितनी भी फ्लाइट थी किसी में भी इंजन फेल नहीं हुआ। ऑल राइट गाइज, वी हैव स्टार्टेड आवर डिसेंट फॉर जमशेदपुर। इसका जो सर्विस सीलिंग है वो 10000 फीट है, एंड हम उड़ रहे थे 8000 पे, एंड जो अपना क्रूजिंग स्पीड है वो है 150 knots के आसपास, जो कि लगभग 300-350 के बीच में होता है इन किलोमीटर्स पर आवर। बाकी देखते हैं, विंडोज़ गंदे, विजिबिलिटी कम है, तो क्लियर वीडियो में आपको नहीं दिखा पा रहा, बट लेट्स होप कि जमशेदपुर में जो डिमना लेक है ना, उसका एक बहुत ही अमेजिंग व्यू मिले।
ऑल राइट गाइज, जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। द टाइम इज़ 4:12, स्लाइटली डिलेड बट ठीक है यार, 12 मिनट का डिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो है एयरपोर्ट से निकल के तुरंत निकल जाएंगे दो मोहनी, क्योंकि फिर ना कल सुबह शायद टाइम ना मिले, फटाफट करेंगे। ये रहा जमशेदपुर का एयरपोर्ट एंड वहाँ पे ATC। बता दूँ जो जमशेदपुर का एयरपोर्ट है ना, वो टाटा का एयरपोर्ट है। तो सोच लीजिए कि जमशेदपुर को टाटा नगर क्यों बोला जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए सेस्ना की जो है छोटी वाली एयरक्राफ्ट है 152, ये जो है शायद कोई फ्लाइंग क्लब का है। एनीवेज जमशेदपुर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है एंड थैंक यू बोथ ऑफ द पायलट्स फॉर फ्लाइंग अस वेरी सेफ। सो गाइज, ये है हमारा आज का एयरक्राफ्ट। ये देख लीजिए जमशेदपुर एयरपोर्ट का छोटा सा अराइवल हॉल, यहाँ पे बस वाटर के लिए वाटर कूलर दे रखा है। देख लीजिए 4:12 पे लैंडिंग हुआ, 4:15 पे मैं एयरपोर्ट से बाहर हूँ। ये होता है जब छोटे छोटे एयरक्राफ्ट में आप उड़ते हो, टाइम नहीं लगता छोटे एयरपोर्ट्स में। सो बस यही है अपना जमशेदपुर का एयरपोर्ट, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। अब निकलते हैं बाहर। इंडिया वन के साथ उड़ान बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। अभी जाएंगे अपन थोड़ा सा जमशेदपुर का टूर करने। जो चीज़ें मुझे आपको दिखानी है वो है दो मोहनी और यहाँ का डिमना लेक, जो कि ऊपर से भी थोड़ा सा दिखा। तो देखते हैं आज कौन सा हो पाता है, कल सुबह कौन सा हो पाता है। अब बस यहाँ के एयरपोर्ट का ये है कि कैब वगैरह कुछ नहीं मिलता। एनीवेज ओला बुक करके सीधा चलता हूँ दो मोहनी पे। जमशेदपुर जब भी आता हूँ ना, फील बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं। हमारे कुछ तो रिलेटिव्स का भी घर हैं, बट शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ तो शायद उनसे ना मिल पाए। बट ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये सब देख के आपका मन करेगा कि जमशेदपुर में ही रह जाएं। यही है जमशेदपुर का दो मोहनी, ये है खोड़काई रिवर एंड वो दूर से आ रहा है सुबर्णरेखा रिवर। थोड़ा बेटर व्यू पॉइंट अगर हो तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ वगैरह हैं। एक जो यहाँ पे ना छोटा सा मंदिर है, एक ऑपोजिट साइड में कैफे है एटमोसफियर नाम से। देखिए जो भी झारखंड बिहार के 4-5 ब्लॉग्स बनते हैं उनमें कोई फेमस टूरिस्ट जगह आपको नहीं दिखाएंगे, मगर यही जो भी कुछ लोकल है, लोकल में जो बेस्ट है वही दिखाएंगे आपको। हो सकता है लगे कि यार ये क्या दिखा रहा है फालतू सा एक व्यू पॉइंट, मगर ड्रोन शॉट्स आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे, आई होप सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो पेड़ पौधे ना वो नहीं थे, जितना मुझे याद आ रहा है बचपन में जब मैं आया था बिल्कुल क्लियर व्यू था, अब वो नहीं है। ऑल्सो आज हमारे दोनों पायलट्स फीमेल थे। वैसे अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें ना, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल पायलट्स इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, जो कि लगभग 12-13% के आसपास है एंड डे बाई डे वो बढ़ भी रहा है। तो बस एक स्पॉट देखता हूँ जहाँ से थोड़ा सा ड्रोन उड़ाया जा सके, मे बी यही पॉइंट है। यहाँ पे अपने ड्रोन जटायु को उड़ाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ वापस आ जाए। यहाँ पे जटायु को क्रोज ने अटैक कर दिया, अभी वापस लाना पड़ा। एंड उसका एक दूसरा प्रॉब्लम है कि वो 15 मीटर से ऊपर नहीं जाता, हैग वैग कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी मेरा मन था कि नीचे से दिखाऊं, बट नीचे से भी कुछ खास व्यू है नहीं। ये जो कैफ़े है ना, कैफ़े एटमोसफियर बहुत ही बढ़िया है, खाना पीना बहुत ज़बरदस्त है एंड मैनेजर मिस्टर अहमद इज़ वेरी हेल्पफुल। मैंने बोला कि मेरा सूटकेस यहाँ पे है, आप 20 मिनट बाद सर्व करो, मैं तब तक ड्रोन उड़ा रहा हूँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं था। एंड यहाँ पे अगर आपको उस वाले मंदिर में जाना है तो छोटी छोटी बोट सर्विसेज हैं यहाँ तक भी वहाँ तक भी, मे बी 10-20 रुपये देके आप जा सकते हैं। कल सुबह जाएंगे बढ़िया से डिमना लेक, डिमना डैम, ये सब एक्सप्लोर करने।
ऑल राइट गाइस, चेक्ड इन टू माई होटल। ये है होटल महल इन। बहुत ही बढ़िया लाइट आ रही है चेहरे पे। ऐसा कुछ बढ़िया रूम मिल गया, लास्ट मोमेंट प्राइस ड्रॉप था। वैसे तो होटल का प्राइस 3000 है, लेकिन मेरे को 1400 और मैंने ब्रेकफास्ट ऐड कर लिया 200 रुपये में, तो 1600 में। इस साल का पहला कोई होटल है जहाँ पे मुझे AC चलाना पड़ रहा है। तो चलिए, समर सीजन की शुरुआत भी हो गई। एंड स्टेज वगैरह मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि लोगों ने बोला कि तुम बस स्टैंड से वीडियो चालू करते हो, बस स्टैंड पे वीडियो ख़त्म करते हो, कोई स्टेज खाना पीना कुछ भी नहीं। तो वो सब मैं फीडबैक ले रहा हूँ। तो कल मेरी सुबह 9 बजे की बस है। एंड मैं बता दूँ, यहाँ का सिस्टम ये है कि कोई एडवांस बुकिंग का सिस्टम है नहीं। जैसे होता ना कि किसी भी रूट पे एक के बाद एक गाड़ियाँ जाती, बिल्कुल वही वाला सिस्टम है। आगे जो है, मैं कल निकलूँगा आपको डिमना लेक दिखाने, वहाँ पे डैम दिखाऊँगा, फिर हम ये व्लॉग ख़त्म कर देंगे। बाकी अगर आप पूछो कि झारखंड सरकार की कैसी बस है, देखिए झारखंड सरकार की कोई बस नहीं है बहुत ही क्लियरली, और कोई बस होगी भी तो मैक्सिमम 5 बसें हो सकती हैं, 4-5 बसें। फिलहाल के लिए अगर आप कोलकाता से ये वीडियो देख रहे हैं या मे बी आसपास के एरिया से वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, आप जमशेदपुर को भी एक अच्छा वीकेंड गेटअवे जैसा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास पहाड़ों में बहुत ही अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, मैंने भी खुद देखा है, बहुत महंगे महंगे भी है। सो जस्ट इन द केस अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस प्लेन का मज़ा भी ले सकते हैं, आप साथ ही साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर निकल पड़ते हैं कल सुबह डिमना लेक देखने। गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल बज रहे सुबह के 5:45, निकल गया हूँ डिमना लेक देखने। एंड पीछे मैं इस महल इन होटल में रुका हुआ था, टेम्परेचर इज 17 डिग्रीज। अब कोई ऑटो रिजर्व करना पड़ेगा मुझे। ये देख लीजिएगा इस डिमना लेक, और कितना बढ़िया जो है सनसेट हो रहा है। मैं आपको आगे ले जाके वहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे व्यू पॉइंट है। आगे हैं गाइस फाइनली डिमना लेक पे। कितनी खूबसूरत ये जगह है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह, इसको अगर सरकार और थोड़ा प्रमोट करती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता। बाहर से भी, आसपास के स्टेट से भी लोग आके देखते हैं। यार क्या ही मज़ेदार चीज़ें। आगे जो है डिमना डैम भी है, बट क्योंकि सनराइज थोड़ा सा हो रहा है ना, मोमेंट है अभी, तो मैं फटाफट कुछ ड्रोन शॉट्स ले लेता हूँ। ड्रोन का ना गाइज, यहाँ पे सिग्नल लॉस हो गया, देखते हैं क्या करना है। ड्रोन जो है गाइज अपना गिर गया कहीं पे। यहाँ पे जो है ड्रोन अपना मिल चुका है, बट काफ़ी गंभीर हालत में, हालांकि इंटैक्ट है पूरा। इसका गिम्बल मोटर सही हो, प्रॉप तो चेंज हो जाएंगे। बताता हूँ कैसे क्रैश हो गया। यहाँ पे जो अपना ड्रोन है वो क्रैश हो गया। हुआ कैसे वो मैं बताता हूँ। हुआ ऐसे कि मैं जब डैम साइड भी उड़ा रहा था और इस साइड भी उड़ा रहा था, जो कि करीबन 700 मीटर दूर है और 500 मीटर दूर है, मेरे पास आ रहा था ट्रांसमिशन सिग्नल लॉस्ट। एंड जैसे डैम में गया तो वहाँ पे हुआ, थोड़ा मैंने पीछे ले लिया,
थोड़ा मैं आगे चल गया तो अपने आप सिग्नल आ गया, तो वहाँ से तो मैंने ले लिया। जब इस साइड भेजा तो मुझे लगता है ना कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एंटेना नहीं है जो रिमोट में है वही। बट ड्रोन की रेंज तो 5 किलोमीटर तक है, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे वो क्या है, सिग्नल लॉस्ट हो गया, फिर वहाँ पे जहाँ पे ड्रोन था मेरे पास जो वीडियो आ रहा था मैं उस हिसाब से चला रहा था, लेकिन वो ट्रांसमिशन डिलेड ट्रांसमिशन है कई, तो जो मैंने कंट्रोल्स दिए वो तब के दिए जब मुझे लगा था कि ड्रोन बढ़िया अपना एक पिकनिक वाला मैदान है वहाँ के ऊपर है, जैसे उस साइड जो है पिकनिक के लिए मैदान है वहाँ के ऊपर मुझे लगा कि है, तो मैंने उसी हिसाब से बैकवर्ड फॉरवर्ड सब दे दिया था। बट ड्रोन एक्चुअली में था कहीं और, जो कि डिलेड रिस्पॉन्स है, एंड तब आ गया था ट्रांसमिशन लॉस्ट, RC इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एयरक्राफ्ट। तो ऐसे आने के बाद मैं थोड़ा घबरा गया, अंधाधुंध जैसा हो सकता है, मुझे जैसा लगा कि सामने निकालो तो सामने आके रेंज आ जाएगा, तो सामने मैंने कर दिया। ड्रोन का मुँह उस टाइम इन पेड़ों की ओर था, उस साइड से वो सीधा गया, 15 मीटर पे रेस्ट्रिक्टेड है तो सीधा जाके पेड़ पे लग गया, और वहीं पे नीचे गिर गया। कनेक्शन लॉस्ट होने पे हम ड्रोन को हिलाएंगे तक भी नहीं, ये चीज़ मुझे समझ में आया। एनीवे 7 बजने वाले हैं, होटल रिटर्न जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको डैम तक आज नहीं ले जा पा रहा टाइम कंस्ट्रेंट के चलते, क्योंकि मेरी बस है ना सुबह 8:20 पे, तो इसलिए मुझे रिटर्न जाना पड़ रहा है। डैम मैंने आपको वीडियो से दिखा दिया था, यहाँ पे तो व्यू मैंने बढ़िया दिखाया, पर वहाँ पे जो है वो क्रैश हो गया। अपने होटल जाके अभी ड्रोन रिपेयरिंग का काम करता हूँ, क्योंकि ये प्रॉप्स वॉप जो है सारे चेंज करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े हर कोई टूट गया है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिर ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं रांची के लिए। सो दैट्स इट, आज का ये ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की एक बहुत ही लग्जरी बस, शिव शक्ति की वॉल्वो 9600। मिलते हैं फिर उस वाले ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी है बरसात, हर मंगल शुक्र आप।